महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रखंड सिसई के ग्राम मुर्गू में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में मुख्य अतिथि पूर्व स्पीकर दिनेश उरांव शामिल हुए। सर्वप्रथम चिरैयानाथ शिव मंदिर से कन्याएं कलश लेकर नागफेनी कोयल नदी तक पैदल गई। मंदिर से दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कोयल नदी पहुंचकर पंडित जी द्वारा जल संकल्प लेकर कलश में जल भरकर वापस पुनः मंदिर तक पैदल यात्रा की गई। इस कलश यात्रा में लगभग 351 महिलाएं शामिल हुई थी। कलश यात्रा की झांकी देखने में काफी मनोरम लग रही थी। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जयकारा लगाते हुए महिलाएं और पुरुष आगे आगे चल रहे थे। श्री जनक गिरी ने बताया कि ग्राम मुर्गू के चिरैयानाथ धाम शिव मंदिर में काफी प्राचीन काल से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एक छोटा सा पत्थर के ऊपर मंदिर बना हुआ है। ये मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि के दिन दूर दूर से भक्तगण पूजा अर्चना करने आते हैं। लगभग 400 वर्षों से मंदिर की पूजा अर्चना हो रही है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जाता है। आज कलश यात्रा निकाली गई है। महाशिवरात्रि के दिन में अखंड हरि कीर्तन का आयोजन और तीसरे दिन भंडारा के साथ समापन किया जाएगा। वर्तमान में ये मंदिर की देखरेख और पुजारी श्री जनक गिरी के द्वारा की जा रही है। इसका हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से करीब करीब 500 वर्ष से लगभग में ये पूजा पाठ करते आ रहे हैं और यहाँ पर रामायण काल से शिव मंदिर देखा गया है। जब राम सेतु जिस समय बंद रहा था उस समय समस्त बालू बंदर को आज्ञा मिला कि जहाँ पूरे पृथ्वी से पहाड़ पर्वत जितने भी हैं टकाटुकू सभी को आप लोग ले आए। ले आने के क्रम में हनुमान जी ने इस दारी टोंगरी दारी पहाड़ से दो पहाड़ को भार में बोह कर ले जा रहे थे। उस समय वहाँ से आकाशवाणी हुआ कि अब सेतु बन चुकी है, जो पहाड़ पर्वत जहाँ से जो लाया रहे हैं वहीं पर स्थापित कर दे, छोड़ दें। तो उसी समय हनुमान जी ने ये दो पहाड़ को जो है सब इसी मुर्गू ग्राम के मतलब छोड़ दिए। दोनों पहाड़ ने हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहा, कहने लगे कि भगवान बीच रास्ते में हमें छोड़ देने से हमारा उद्धार कैसे हुआ। उसी समय हनुमान जी ने ये आपका खंभिया के पास में कोयल नदी से जो है सो मतलब शिवलिंग का जो हंसुआ के दरासी से काट के लाए हैं, अभी भी वहाँ उसका चित्र दिखा जाता है और मेला भी कैसा लगा हुआ था। वही हनुमान जी के स्थापित किया हुआ ये मंदिर है जो सवा गज धरती के ऊपर शेष नाग पर अस्थि कहते मंदिर पहाड़ के नीचे आप देखेंगे कि पांच अंगुरी का जो हाथ का जो है तरहती का उनका आकार है आप देख सकते हो उसको। और जो भी यहाँ संजन जो भी अपने मनोकामना बाल बच्चा अथवा किसी प्रकार के दुख किसी प्रकार के समस्या का जो मनित मानते हैं भगवान भोले भंडारी कृपा बाबा चिरैयानाथ की कृपा से यहाँ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और इसी नाथ मंदिर के प्रांगण में 3 दिवसीय कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज तक हम लोग जो है से मतलब करते आ रहे हैं और लगता है कि जब तक ले सांस इस काम को 3 दिवसीय कार्यक्रम को करते रहेंगे। इस काम करने से हम लोग है अप्रिय कोई घटना नहीं होता है, अनेक कोई प्रकार के रोग दुख नहीं होता है, हम लोग सदा सुखी रहते हैं। हम लोग जो है से त्रयोदशी के कलश यात्रा ग्राम मुर्गू से दक्षिणी कोयल नदी यहाँ से करीब करीब 3.5 किलोमीटर दूर पूरे श्रद्धा के साथ हम लोग गए और वरुण देवता की पूजा करके करमंत्र से वरुण देवता की पूजा करा के और इस चिरैयानाथ मंदिर के प्रांगण में जगशाला में जो है से मतलब कलश स्थापित 3 दिन का कार्यक्रम है। आज कलश यात्रा है और खीर का प्रसाद 3 दिन तक ले भंडारा रहेगा। कल हमारे इस सुबह से ही जो है से मतलब पूजा पाठ के कार्यक्रम होगी और करीब करीब प्रातः 10 बजे से 24 घंटा अखंड हरि कीर्तन के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगी। बुधवार को भंडारा और विसर्जन समाप्त हो जाएगी। मेरा नाम श्रीकांत गिरी, बाबा चिरैयानाथ मंदिर का हमारे एक बाद जो है दोबारा पुजारी में मैं श्रीकांत गिरी ग्राम मुर्गू थाना से जिला गुमला के रहने वाला हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।